नमस्ते सभी को। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। हाल ही में ये चर्चा में था क्योंकि अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नया नाम बदल के श्री विजयपुरम भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक कैप्टन आर्किबाल्ड ब्लेयर थे, उनके नाम पे पड़ा था। इसके बाद अब हम पोर्ट अंडमान निकोबार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक तरह से हिमालय का पार्ट है। कैसे पार्ट है? क्योंकि अरकान योमा हिल का एक एक्सटेंशन माना जाता है जो समुद्र के नीचे दबा हुआ था। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय के म्यांमार भाग के अरकान योमा पहाड़ियों का विस्तार है। सो इट इज ए पार्ट ऑफ हिमालयाज। ओके, अब हम बात करें तो क्षेत्रफल के बारे में। तो कुल क्षेत्रफल इसका 8249 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें कुल 836 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 38 आइलैंड पे लोग अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण द्वीप के बारे में बात करेंगे जो अंडमान निकोबार आइलैंड का है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग द्वीप देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो द्वीप है, मोस्टली ऊपर के चार और नीचे में दो द्वीपों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला नॉर्थ अंडमान, दूसरा मिडिल अंडमान, तीसरा साउथ अंडमान और चौथा लिटिल अंडमान। उसके बाद एक कार निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। ये महत्वपूर्ण द्वीप है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। फिर से एक बार, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। अब सभी द्वीपों के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ अंडमान के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्थ अंडमान पे सैडल पीक है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर हम मिडिल अंडमान की बात करें तो सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान है। और साउथ यानी दक्षिण अंडमान की बात करें तो दक्षिण अंडमान पे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, और उसके बाद आता है लिटिल अंडमान, फिर हम लोग कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है जो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे पड़ा था। तो इंदिरा गांधी ग्रेट लीडर लीडर थी, तो आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। ग्रेट निकोबार आइलैंड पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कुछ जो चैनल्स हैं यानी जो दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मोस्टली दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। पहला जो दर्रा है वो डंकन पास है, जिसको डंकन दर्रा बोला जाता है, जो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है, यानी साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा दर्रा है? तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य द्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे तीन अन्य महत्वपूर्ण द्वीप भी हैं जो काफी चर्चा में थे। एक है रॉस द्वीप, जिसका नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। एक था नील द्वीप, जिसका नाम शहीद द्वीप रखा गया है। और एक था हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक का नाम रखा गया है स्वराज। इन तीनों यानी रॉस, नील और हैवलॉक तीनों का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप 2018 में किया गया था। अगर हम इस पे ज्वालामुखी की बात करें तो बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम दो इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक्टिव वोल्केनो तो अंडमान निकोबार पे कौन है? तो बैरन आइलैंड। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।